वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूँ आज हम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीसी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमारे पास 7 एनसीसी डायरेक्टरेट्स है, तो इस लेक्चर में हम उनकी पहले उनकी बात करेंगे 17 एनसीसी डायरेक्टर्स जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पहले मैं उसकी थोड़ा सा रिवाइज आपको माइंड में लाऊंगा पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में आपको देखना, ठीक। तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि एनसीसी विंग है कब फॉर्म हुए है, नेवी विंग कब राइज हुई है, आर्मी विंग कब राइज हुई है, और हमारी जो ये एयर विंग है वो कब मतलब ये राइज हुई है। तो हमने देखा एनसी वजूद में कब आई है, किस डेट पे आई है, तो इसके 1948 में। फिर हमने देखा कि एनसी कितने विंग्स हैं, फिर जेडी देखा, फिर हमने देखा एसजी देखा है, ठीक। मतलब हमने विंग्स देखे हैं आर्मी विंग, एयर विंग एंड नेवी विंग, ठीक। उसके अलावा हमने फिर डिविजन्स देखे, 3 डिविजन्स हैं, ठीक, एक जीडी एसडी एंड जीडी एसडी एंड जेडी, ठीक। तो इसके अलावा हमने देखा था फिर फर्स्ट रिपब्लिक, जो हमारे पास फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड कब एनसीसी ने फर्स्ट मतलब पहले बार पार्टिसिपेट की है। तो इसके अलावा हमने देखा कि एनसीसी का डे जो है कब फर्स्ट बार मनाया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि एनसीसी जो है फर्स्ट बार मतलब एनसीसी जो है वो किस डेट पे हम मनाते हैं। तो इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे मतलब बहुत सारे रैंक्स देखे थे बहुत ऑफिसर्स के, मतलब एनसीसी कैडेट्स और ऑफिसर्स के। आज हम इस फिर हमने देखा था वहां पे 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स, मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वो 17 डायरेक्टरेट्स हमारे पास कहाँ मतलब कौन कौन से हैं और किस किस कहाँ कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। देखो सीर नंबर 1 to 17 यहाँ पे दिया हुआ है। पहले स्टेट जो है हमारे पास वो उत्तर प्रदेश है, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हमारे पास जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। ये एनसी डायरेक्टरेट्स की हम बात करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो है वो उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में है, और देहरादून, देहरादून में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बिहार और झारखंड, इसका जो ये हेडक्वार्टर है वो पटना, पटना यानी बिहार मतलब पटना में है, ठीक। और राजस्थान, राजस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक। ऐसी दिल्ली, दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उनका जो स्टेट्स दो है उनका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनका जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल में है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ उनका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। इसके अलावा फिर देखते हैं जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर जम्मू में है, ठीक। आपको पता होगा नगरोटा में जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे होंगे, जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जम्मू में है। गुजरात दादानगर हवेली दू एंड दमन, आपको पता है ये जो है दादानगर हवेली दू एंड दमन ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो गुजरात और इसकी जो ये है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टेट हमारा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उसका जो हेडक्वार्टर है सुकंदराबाद में है, ठीक। इसके अलावा उड़ीसा, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर में है, ठीक। कलकत्ता गोवा। इसके अलावा जो फिर हमारे पास रह गया कौन, तमिलनाडु, पुनाचेरी, अंडमान निकोबार, उनका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। इसके अलावा केरला, लक्षद्वीप वो ट्रिवेंड्रम कहाँ पे है, ट्रिवेंड्रम है क्या बोलते हैं इसको, वो केरला में है, ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER वो कहाँ पे है, सिलोंग सिलोंग में हेडक्वार्टर है। ठीक, ये हमारे में रह गए हेडक्वार्टर्स और ये रहे स्टेट्स। तो अब हम देखते हैं कुछ और रैंक इन आर्म्ड फोर्स एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखते हैं रैंक्स के और, ठीक।
आए देखते हैं, चले पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे ए बी सी सर्टिफिकेट में आते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं हमारे बी ओ सी सर्टिफिकेट में। आर्मी एयर फोर्स के देखेंगे, फिर नेवी फोर्स के देखेंगे, फिर ठीक पहले हम देखेंगे आर्मी के, फिर हम देखेंगे एयर फोर्स के, फिर हम देखेंगे नेवी के। अगर हम एनसीओस की बात करें, एनसीओ की बात करें तो हमारे आर्मी जो है वहां सिपो, सिपा जिसको हम बोलते हैं सिपा, ठीक सिपा, सिपो जो है जिसको जवान भी बोलते हैं, सोल्जर ठीक जवान ठीक। उसके बाद आता है लैंस नाइक, जिसको हम लैंस नाइक भी बोलते हैं, लैंस नाइक, फिर आता है नाइक, फिर आता है हवलदार, फिर आते हैं सी एच एम और बी एच एम। ये हमारे रैंक्स हैं जो एनसीओ कौन किस विंग में, आर्मी विंग में। अब हम एयरफोर्स की बात करें तो वहां पे होता है पहला जो एनजीओ एनसीओ की बात करेंगे, आयरमैन, लीडिंग आयरमैन, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल एंड सर्जेंट, सर्जेंट ठीक। तो अब हम बात करेंगे नेवी के, नेवी में होते हैं सेवर, नेवी में होते हैं सीमैन, नेवी में होते हैं लीडिंग रेट्स एंड पिटी ऑफिसर। तो देखते हैं एनजीओ एनसीओ एनजीओ सॉरी नहीं एनसीओ सिपाह, जवान, वेस्ट नाइक, नाइक, हवलदार। अगर एयरफोर्स की बात करें, एयरमैन, लीडिंग एयरमैन, कॉर्पोरल एंड सर्जेंट। अगर बात करेंगे नेवी की, सेवर, सीमैन, लीडिंग रेट्स, पिटी ऑफिसर। अब हम बात करेंगे जेसीओस की, यानी कि हमारे जेसीओस हैं। तो जेसीओस में कौन कौन से हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर ठीक। एक होता है कहां पे, आर्मी विंग में, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। अगर हम बात करेंगे एयरफोर्स में, जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, किसमें आते हैं, एयरफोर्स में, कहां पे, जेसीओस में। तो चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास सेकंड, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास फर्स्ट। ये रैंक्स हैं जो हमें जेसीओस मतलब जेसीओ लेवल के मिलते हैं, किसमें, नेवी फोर्स में। अब हम देखते हैं ऑफिसर्स, यानी एज ए ऑफिसर अगर कुछ कोई होता है तो एज ए ऑफिसर्स क्या रैंक मिलते हैं। पहले मिलते हैं उसको लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जो होता है आर्मी में, हम बात करेंगे पहले लेफ्टिनेंट ठीक, पहले होता है लेफ्टिनेंट, फिर होता है कैप्टन, फिर कैप्टन, फिर होता है मेजर, फिर होता है लेफ्टिनेंट कोल, फिर होता है कॉलनल ठीक, कर्नल जिस कॉलनल ठीक, कॉलनल के बाद होता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आता है लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है जनरल, जनरल के बाद आता है फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। क्या आता है लेफ्टिनेंट आते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑफिसर्स जो हमारे आर्मी रैंक से आते हैं तो कौन कौन से हैं, पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कोल, कोल, कॉलनल ठीक, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। अगर हम बात करेंगे अब एयरफोर्स की, एयरफोर्स में क्या क्या आते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ठीक, सुगरन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडरो, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स। ये हमारे आते हैं एयर फोर्स में रैंक्स ठीक, एज ए ऑफिसर्स। अगर हम बात करेंगे इस नेवी फोर्स के तो हमारे पास आते हैं सब लेफ्टिनेंट, हमारे पास आते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमांडरो, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ फ्लीट, एडमिरल ऑफ फ्लीट। ये हमारे आते हैं नेवी में, ये हमारे आते हैं नेवी में रैंक्स ऑफ आर्म फोर्स। ये हमने देखे हैं आर्मी में कौन कौन से आते हैं, सिपाह यानी जवान, क्लास नाइक, नाइक, हवलदार, सी एच एम, बी एच एम, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। ये मोस्टली हमारी जो हमें जो आते हैं एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं एयरफोर्स में, आयर जो हमारे आर्मी, जो आर्मी विंग से होते हैं इनको ये क्वेश्चंस आते हैं ठीक। अब हम देखते हैं एयरफोर्स के, आयरमैन, लीडिंग एयरमैन, कॉर्पोरल, सर्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन
लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडरो, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स। अब हम आते हैं नेवी फोर्स में। नेवी फोर्स में कौन कौन से आते हैं? सोलर, सीमैन, लीडिंग रेट्स, प्रिटी ऑफिसर, चीफ प्रिटी ऑफिसर, मास्टर चीफ प्रिटी ऑफिसर सेकंड, मास्टर चीफ प्रिटी ऑफिसर फर्स्ट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमांडरो, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ फ्लीट। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ अवार्ड्स के मुतालिक। गैलेंट्री अवार्ड ऑफ डिफेंस फोर्स, यानी कि जो हमारे इन मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स कुछ मिलते हैं एज अ डिफेंस फोर्स। फॉर सेल्फ सैक्रीफाइस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज के लिए कौन कौन से, यानी ज्यूरिंग द वॉर अगर कोई सेल्फ सैक्रीफाइस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखाए तो उसके लिए कौन कौन से मतलब अवार्ड मिलते हैं? एक मिलता है परम वीर चक्र, परम वीर चक्र अवार्ड मिलता है, महावीर चक्र और वीर चक्र, तीन अवार्ड मिलते हैं अगर कोई सेल्फ डिफेंस, सेल्फ सैक्रीफाइस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज ज्यूरिंग द वॉर। ठीक, क्या क्या उसको मिलता है? एक मिलता है परम चक्र, परम चक्र, और दूसरा परम वीर चक्र, दूसरा मिलता है महावीर चक्र, तीसरा मिलता है वीर चक्र। जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इससे चार मार्क्स बन जाते हैं आपके, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज इन द कंडीशन अदर देन वॉर, अगर अदर देन वॉर के मतलब वार में नहीं, अदर देन वॉर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज दिखाएगा तो इसके लिए अशोक चक्र, या दूसरा आता है कृति चक्र, तीसरा आता है सूर्य चक्र। क्या? अशोक चक्र, अशोक चक्र, कृति चक्र एंड सूर्य चक्र। अगर हम बात करेंगे एनसी डिवीजन है, इसमें से कौन कौन से आते हैं? एक होते हैं एसडी यानी सीनियर सीनियर डिवीजन, दूसरा आता है जेडी यानी जूनियर डिवीजन, तीसरा आता है जीडी यानी गर्ल्स डिवीजन। अगर हम बात करेंगे एसडी सीनियर डिवीजन की तो हमारे पास आते हैं आर्मी विंग, एयर विंग और नेवी विंग। अगर हम जेडी की बात करेंगे यानी जूनियर डिवीजन, वहां पे एयर विंग, नेवी विंग और आर्मी विंग। अगर हम जेडी की बात करेंगे गर्ल्स डिवीजन की, वहां पे आते हैं सीनियर विंग एंड जूनियर विंग। सीनियर विंग में आते हैं एयर विंग, आर्मी विंग एंड नेवल विंग। अगर हम आर्मी विंग की बात करेंगे इन्फेंट्री, आर्मोरड, आर्टिलरी, ठीक, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एएमई, आरवीसी एंड मेडिकल, ये आते हैं कुछ रैंक, ये आते हैं मतलब एनसीसी डिवीजन्स। ठीक, तो ये अगर हम बात करेंगे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रैंक्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन एसएनडी गार्ड। हमने देखे हैं अभी रैंक जो है वो ऑफिसर्स थे, वो एनजीओस एनसीओस थे, हमने जेसीओस देखे, हमने ऑफिसर्स की रैंक देखे। अब हम देखे हैं रैंक्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन एसएनडी गार्ड। अगर हम आर्मी, आई और नेवल की बात करेंगे, पहले हम आर्मी की पढ़ते हैं। एसडी यानी सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग की बात करेंगे तो आर्मी विंग में कैडेट, लांस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सर्जेंट कंपनी, सर्जेंट मेजर, अंडर ऑफिसर, तो सीनियर अंडर ऑफिसर, ये रैंक्स आते हैं एस डी में या एस डब्ल्यू में। अगर हम इसी में आयर की, आयर विंग की बात करें तो हमारे पास आते हैं कैडेट, लेडी फ्लाइट कैडेट, कॉर्पोरल, सर्जेंट, वारंट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर। ठीक, अगर हम नेवल की बात करेंगे एज ए और सीनियर अंडर ऑफिसर भी आते हैं इसमें एस डी सीनियर ड्यूटी या सीनियर विंग में। और नेवल की बात करेंगे कैडेट, लीडिंग कैडेट, पार्टी ऑफिसर, कैडेट कैप्टन, सीनियर कैडेट और कैप्टन जो आते हैं वो रैंक्स आते हैं एस डब्ल्यू इन नेवल विंग। अगर हम करेंगे जेडीएस की बात तो कैडेट, लांस कैडेट, कैडेट सेक्शन लीडर, ट्रूप सर्जेंट, ये हमारे आते हैं आर्मी विंग में। कैडेट लेडी फ्लाइट कैडेट, कैडेट कॉर्पोरल, कैडेट सर्जेंट, कैडेट फ्लाइट सर्जेंट, ये हमारे आते हैं एयर विंग में। अगर हम बात करेंगे नेवल विंग की तो कैडेट लीडिंग कैडेट एंड प्रिटी ऑफिसर कैडेट जो है हमें हमारे नेवल विंग में आते हैं एज ए जेडी यानी जूनियर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे या जे डी या जे डब्ल्यू। ठीक, अगर हम जे डब्ल्यू की बात करेंगे हमारे पास आते हैं कैडेट, लांस कैडेट, सेक्शन लीडर एंड ट्रूप सर्जेंट। अगर हम रैंक्स करेंगे बात ऑफिसर्स की, जो हमारे ऑफिसर्स एंड से ऑफिसर्स, तो एस डी एंड एस डब्ल्यू की बात करेंगे सीनियर विंग या सीनियर विंग या सीनियर डिवीजन की बात करेंगे तो हमें लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर आता है। अगर हम जेडी और जेडब्ल्यू की बात करेंगे थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर आते हैं। तो आज हमने देखा है डायरेक्टरेट 15-17 जो हमारे डायरेक्टरेट्स हैं स्टेट, उनके हेडक्वार्टर्स देखे हमने, गैलरी अवार्ड्स ऑफ डिफेंस फोर्स देखे हमने, रैंक्स ऑफ एनसी ऑफिसर्स देखे जो ऑफिसर्स एज ऑफिसर होते हैं या
एनसीओस होते हैं या जेसीओस होते हैं या एज ऑफिसर यहाँ पे होते हैं, तो उनके रैंक्स देखे, हमने रैंक्स देखे कैडेट की असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो एनसी ऑफिसर्स की कैडेट मतलब इसमें रैंक्स ऑफ एनसी ऑफिसर्स भी देखे असेंडिंग ऑर्डर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सुट्टी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।